इस बार इन कोरे पन्नों पर एक कहानी लिखी है। यादों के गलियारों में मैंने कई तस्वीर कढ़ी है। संदूक भरे हैं कुछ अविस्मरणीय यादों से। एक अरसा बिताया है मैंने घाटशिला की पनाहों में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ प्रकृति अपनी प्रस्तुतियों से सजधज कर सैलानियों का स्वागत करती है। विकास की आक्रामक गति से अछूता रहा यह वो अभयारण्य है जहाँ प्रकृति की भव्यता को प्यार भरे स्पर्श के साथ संरक्षित किया जा रहा है। सदाबहार वनों से आच्छादित छोटी छोटी पहाड़ियाँ, झील, झरने और चारों ओर से घिरे जंगल का समावेश इसे झारखंड का हिडन पैराडाइज बनाता है। चिड़ियों की चहचहाहट, जंगल में नाचते मोर, सुहाना मौसम, हवा का तराना, वाकई बेमिसाल है प्रकृति का ये नज़ारा। इस बार झारखंड के सौंदर्य के खजाने के कुटुंब से हमने निकाला है घाटशिला शहर। पूर्वी सिंहभूम में स्थित ये जो शहर है ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है और कई लोग इसे अनटच्ड पैराडाइज के नाम से जानते हैं। तो इस पैराडाइज को एक्सप्लोर करना तो बनता था, वक्त नहीं गंवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। घाटशिला की वादियों में आस्था के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ निर्मित किए गए हैं। इनमें शामिल है माता रंकिनी देवी का मंदिर। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे जादूगोड़ा के पहाड़ और घने जंगलों के बीच माता रंकिनी का मंदिर अवस्थित है। इस रास्ते में स्थित गालूडीह बराज किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं। गालूडीह बांध मानवीय प्रतिभा, इंजीनियरिंग और प्रकृति के तोहफे का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित यह बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। इसके द्वारा झारखंड और उड़ीसा की 90,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। बराज से कुछ ही दूरी पर स्थित रंकिनी मंदिर कई पौराणिक कथाओं के लिहाफ में लिपटा हुआ है। मान्यता है कि लाल चुनरी में नारियल बांधकर मन्नत मांगने से माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। जमशेदपुर से यहाँ आई हूँ बहुत श्रद्धा से और मेरी बेटी यहाँ से नारियल भी बांधी है। कहा जाता है यहाँ नारियल बांधने से मन्नत पूरी हो जाती है और मेरी बेटी का नारियल गिरा भी है, ये बहुत शुभ शगुन है। मैं यहाँ माँ का आशीर्वाद और बहुत श्रद्धा लेके जा रही हूँ। मुझे माँ इतना दे दी है और विश्वास है कि और आगे भी इतना मिलेगा कि फिर मैं इनके दर्शन करने आऊँगी। बचपन में आए थे, उसके बाद अब आए तो कहीं जाते हैं तो पहली बार मतलब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। भगवान से पूजा करने आते हैं, थोड़ा श्रद्धालु का भक्त मानना चाहिए। इस मंदिर के बारे में बहुत दिन से सुनते आए थे लेकिन संजोग नहीं मिल रहा था क्या है, तो आज शादी का 25 साल पूरा तो चले शुभ अवसर है तो हम इस मंदिर का दर्शन करने आ गए और काफ़ी अच्छा वातावरण है और हम लोग इतना नज़दीक रह के इतने दिन के बाद मौका मिला, ये संजोग की बात है तो सोचे आए हैं तो चले घूम के भी आए। कहा जाता है कि प्राचीन काल में घने जंगल से यात्रा करने वाले लोग अपनी सुरक्षा और भलाई के लिए रंकिनी देवी मंदिर में पूजा करते थे। मुख्य मंदिर के दोनों ओर भगवान गणेश को समर्पित और भगवान शिव को समर्पित एक एक मंदिर है। माता रंकिनी का वर्तमान मंदिर लगभग 70 वर्ष पुराना है जिसे 1950 के दशक में बनाया गया था। मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट का गठन 1954 में किया गया था। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि सदियों से यहाँ माँ एक पाषाण में विराजमान है और आज भी जागृत है।
हम लोग यहाँ बहुत दूर से पूजा करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ बचपन में आए थे, अभी बहुत दिन के बाद आए हैं, बहुत श्रद्धा से आए हैं। बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है ये डंकनी मंदिर जमशेदपुर का। तो अभी हम लोग सब फैमिली के साथ आए हैं, पूजा हो गया, बहुत अच्छा लगा पूजा करके हमें। मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, बट अभी जॉब कर रही हूँ भुवनेश्वर में। मेरी मम्मी ने मेरे लिए मन्नत रखा था मेरी जॉब के लिए, वो पूरा हुआ। उसके लिए हम यहाँ मंदिर आए हैं पूरे फैमिली के साथ में, आशीर्वाद लेने के लिए और पूजा करने के लिए। वर्तमान में जिस स्थान पर माँ की पूजा होती है वहाँ वो स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर से नीचे गुजरने वाले नाला के बगल में स्थित कापड़ घाटी में माता रंकिनी वास करती थी। यह मंदिर पोटका प्रखंड के बंसीला ग्राम पंचायत के रोहिणी बेरा गांव में है। यह जादू घोड़ा से लगभग 3 किलोमीटर और टाटा नगर रेलवे स्टेशन से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। रंकिनी मंदिर के पास हाल ही में राधा कृष्ण को समर्पित एक हरि मंदिर का निर्माण भी किया गया है। मैं माँ के यहाँ सेवा दे रहा हूँ। ये माँ के यहाँ जो भी मन्नत करने आते हैं भक्त, उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। यहाँ का विशेषकर जो है, जो मुख्य पुजारी है वो भूमिज जाति से हैं, जो आदिवासी हैं। यहाँ मारंगन घाट में शुरू से जो पूजा करते आ रहे हैं भूमिज समुदाय के, वही पूजा अभी भी कर रहे हैं। उनके पहले उनके वंशज करते थे, अभी भी उनके वंशज कर रहे हैं। यहाँ 2-3 और मंदिर है। मारंगनी मंदिर प्रथम है, उसके बाद में महादेव का मंदिर है और गणेश जी के हैं, और एक साइड में है हरि मंदिर है। नीचे में कापड़गादी घाट का स्थान है, माँ का स्थान, जहाँ बलि प्रथा होती है, पाठा दिया जाता है मन्नत पूरा होने के बाद। काफ़ी श्रद्धा से लोग जो मन्नत करते हैं। हम फिलहाल जहाँ उपस्थित हैं ये श्री श्री रंकिनी माता मंदिर का बलि स्थल है। यहाँ से कई पौराणिक कथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता ने पहली बार दर्शन इसी स्थान पर दिया था और बाद में इसे बलि स्थल बना दिया गया। प्राचीन वक्त में यहाँ नरबलि भी दी जाती थी, लेकिन अब कुछ दशकों से इस प्रथा को बंद कर दिया गया है और फिलहाल यहाँ पर बकरी की, मुर्गे की और कबूतर की बलि चढ़ाई जाती है। वैसे श्रद्धालु जिनकी मन्नत पूरी होती है वो माँ के दरबार पर आते हैं और इसी स्थल पर आकर बलि चढ़ाया करते हैं। रंकिनी मंदिर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक वैभव के आंचल में स्थित है नरवा पिकनिक स्पॉट। यह स्थान एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली नदी को समेटे हुए है, जो बड़ी भव्यता के साथ पहाड़ी को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। सूरज के गर्म आलिंगन के नीचे चमकता हुआ कलकल पानी चट्टानों के बीच से होकर जब बहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने स्वयं एक उत्कृष्ट कृति बनाई हो, जो यात्रियों को इसकी कलात्मकता देखने के लिए आमंत्रित कर रही है। चाहे बहते पानी की शांत ध्वनि हो या हर कदम पर सामने आने वाला सुरम्य दृश्य, नरवा पिकनिक स्पॉट एक ऐसी जगह है जहां पर्यटक रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल को पीछे छोड़कर प्राकृतिक भव्यता की शांति में गोते लगाने के लिए खींचे चले आते हैं। घाट शिला दो शब्दों को जोड़कर बना है, घाट यानी नदी का किनारा और शिला यानी पत्थर। नरवा पिकनिक स्पॉट बखूबी शहर के इस नाम को परिभाषित करता है। यहाँ से घुर्रा नदी बहती है और साथ में आपको किनारे पत्थर का शिला नजर आता है, जो दिल को मोहित कर लेता है। शांति और अध्यात्म की तलाश में यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए रामकृष्ण मठ भी बेहद खास है। यह मठ इस शहर में अपने शैक्षिक, चिकित्सा और राहत कार्यों संबंधित अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। रामकृष्ण मठ की इस शाखा ने वर्ष 1941 में एक ट्रस्ट डीड द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम घाटशिला का अधिग्रहण करके 23 मई 2004 से कार्य करना शुरू किया। 2004 से बेलर मठ अधिग्रहण किया है। पहले प्राइवेट आश्रम था, अभी 2004 से बेलर मठ का लेने के बाद में हम लोग इधर आया है। इधर बहुत सेवामूलक काज होती है। पहले हम लोग मंदिर है, पूजा पाठ जो रेगुलर स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी चलता है, वेद पाठ, आरती, भजन ये सब होता है। उसके बाद में दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो जो पूजा सब होना हिंदू का बासा पूजा होती है। इस आश्रम को रामकृष्ण मठ और मिशन के कई सम्मानित भिक्षुओं की यात्रा से पवित्र किया गया है, जिनमें से सबसे प्रमुख है भगवान श्री रामकृष्ण देव के प्रत्यक्ष शिष्य श्रीमद् स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज। लगभग एक एकड़ में फैले इस मठ का शांत वातावरण बरबसी सैलानियों को यहाँ खींच लाता है। मठ द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न समाज कल्याण कार्यों में एक अस्पताल भी शामिल है, जहां एलोपैथिक, होम्योपैथिक औषधालय और एक फिजियोथेरेपी यूनिट मौजूद है। हम लोग उनका सोशल वर्क जो करते हैं वो है, हम लोग उनका गांव में मेडिकल, मोबाइल मेडिकल देते हैं। आदिवासी गांव है इधर पास पास में, तो हर वीकली एक सप्ताह में एक बार जाकर हमारा मोबाइल टीम जाता है, वो जाके मेडिकल सुविधाएं देते हैं और दवाइयां दिया जाते हैं। और इसका अलावा फिजियोथेरेपी एक डिपार्टमेंट्स है, उसमें हम लोग उनको कम पैसा जितना कम हो सकता है उसमें लेकर मिनिमम मैक्सिमम फैसिलिटीज दिया जाते हैं। और उसका अलावा हम लोगों का कंप्यूटर सेंटर है, उसमें हम लोग बच्चा लोग पढ़ते हैं, उनको अच्छा अच्छा पढ़ाई जाती है, महीना का कोर्स है। साथ ही यहाँ एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और विद्यालय भी चलाया जा रहा है, जहाँ गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इन बच्चों को समय समय पर छात्रवृत्ति, भोजन, कपड़े, कम्बल और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये ब्रांच सेंटर का एक छोटा सा हिस्सा मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, छोटे बच्चे को पढ़ाना है, उसको दिमाग में अच्छे सोच विचार देना है, और बड़े होकर क्लास 12 के बाद वो अपना मर्जी से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेंगे और अपना पैर में दे कैन डू एनीथिंग, स्कूल बैग, स्कूल जो किताब, कॉपी, जो भी उनका मदद के लिए हम देते हैं, ये प्रयास हमारा जारी है। रामकृष्ण मठ में फ्री कोचिंग होता है, तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ। मुझे इसके बारे में अपने दोस्तों से पता चली कि वहाँ फ्री में पढ़ाई होती है और सुविधा के लिए सब कुछ महाराज जी देते हैं। तो मैं जगदीश्वर उच्च विद्यालय में 5 क्लास में एडमिशन ली थी, फिर 6 क्लास में मुझे पता चला, तो मैं 6 क्लास में यहाँ आई और महाराज जी को बोली कि मैं भी यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। और मेरे जो स्पोर्ट्स, रंगोली या फिर स्पीच जो भी हो, उसके सर्टिफिकेट मैंने दिखाया महाराज जी, फिर मुझे एडमिशन ले लिया, फिर मैं यहाँ पढ़ती थी। मुझे यहाँ कुछ भी अगर ज़रूरत होता, मैं अगर महाराज जी को बोलती वो ज़रूर देते, कॉपी, पेन, बुक, शूज़, बैग, ऑल। मठ से कुछ ही दूरी पर स्थित सूर्य मंदिर भी अपनी महत्ता एवं खूबसूरती से कई सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है। मंदिर की संरचना काफी दुर्लभ एवं आकर्षक है। 2011 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2020 में इस मंदिर में भगवान सूर्य देव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। घाटशिला वनों एवं पहाड़ियों का शहर है। इन्हीं में से एक है पंच पांडव पहाड़ी। पंच पांडव महान हिंदू महाकाव्य महाभारत से जुड़े होने के कारण बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय रहा है। इस स्थान पर काली माँ का एक मंदिर निर्मित किया गया है और काली मंदिर के ठीक पीछे एक पत्थर मौजूद है। कहा जाता है कि पांचों पांडव ने यहाँ रात भर विश्राम किया था और इस पत्थर पर अपने निशान छोड़े हैं, जो आज भी देखे जा सकते हैं। घाटशिला घूमने के लिए फर्स्ट टाइम हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत जगह घूमे हैं। उससे तो वो बुरुडी डैम वो बहुत अच्छा लगा, उसका नेचुरल ब्यूटी इधर का बहुत अच्छा है। उसके आगे
कुछ पौराणिक इम्पोर्टेंस भी इधर है। जैसे हम लोग इधर अभी खड़े हैं, पंच पांडव को इधर सुना जाता है, उन लोग आके इधर विश्राम लिए थे, उनका कुछ चिन्ह दिखाई दिया, पता नहीं कितना सच है बट हम लोग का बिलीफ हुई है वो लोग आके इधर थोड़ा सा रेस्ट लिए थे। ये पंच पांडव का यहाँ पे बोला जाता है कि पांचों पांडव यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, तो उनके छाप यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बहुत ही सीनिक ब्यूटी, बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है ये जगह घूमने के लिए। पहाड़ियों की श्रेणी में यहाँ सबसे चर्चित एवं प्रसिद्ध है फुलडुंगरी। फुलडुंगरी पहाड़ी झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। फुलडुंगरी चारों ओर से साल और महुआ के ऊंचे पेड़ों और लंबी घास से ढका हुआ है। फुलडुंगरी के घने जंगल से गुजरना एक अनोखा अनुभव है, जहां घने पेड़ पौधों के बीच सूरज की रोशनी को भी भेदना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी की चोटी से सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य एक अविस्मरणीय एहसास देता है, जिसे अनुभव करने निकटवर्ती राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से कई पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यह खूबसूरत जगह पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। वनस्पतियों के सजावट ने साहित्यिक जगत के महान रचनाकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय को उनकी एक अमर रचना अरण्यक के लिए प्रेरित किया था। हम फिलहाल जिस जगह मौजूद हैं उसे फुलडुंगरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लेजेंडरी राइटर विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने अपने द्वारा कुछ बड़े ही मशहूर उपन्यास को लिखा था, जिसमें अपुत्रई शामिल है, आरण्यक भी इसमें शामिल है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास में से एक को मशहूर एक्टर डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अपनी एक फिल्म का भी रूप दिया था, जिसे हम पाथेर पंचाली के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि प्रकृति से बड़ा प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं, और यही एक वजह है कि विभूति जी ने यहाँ पर अपने कुछ महान उपन्यास का सृजन किया था। आज पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं, इस जगह को देखते हैं और साथ ही साथ जो कुछ मेमोरीज छोड़कर चले गए हैं उससे भी वाकिफ होते हैं। यह शहर जितना प्रसिद्ध अपने वादियों के लिए है, उतना ही प्रसिद्ध विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जीवनी और कहानियों के लिए। किताबों एवं फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाला अमूमन हर व्यक्ति पाथेर पांचाली से परिचित है। इसके रचनाकार बंगाली लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिन्हें बंगाल में टैगोर के बाद युग के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक माना जाता है, इसी घाट शिला के निवासी थे। गौरी कुंज के नाम से प्रसिद्ध उनका यह आवास पर्यटकों के लिए घाट शिला का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। हम लोग प्लान किए कि घाटशिला चलते हैं, और वहाँ पे जो ग्रेट नॉवलिस्ट है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिनको हम बचपन से ही पहचानते हैं और थ्रू आउट द स्कूल लाइफ हम उनके लिखे हुए कहानियाँ पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो काफ़ी जाना पहचाना है, तो मौका बना कि उनका कहाँ पे वो पले बड़े हैं वो जगह देखने का, तो आज हम पहुँच गए यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अंदर का भी जो भी सजावट है, जो भी चीज़ें रखी हुई है, इवन उनके नॉवल पे जो मूवी वगैरह भी बनाया उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी अ बंगाली एंड टू राइट द स्टोरीज ऑफ द ग्रेट राइटर। विभूति भूषण द्वारा छोड़ी गई विरासत को विश्वव्यापी बनाने के लिए उनके निवास स्थल को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। पाथेर पांचाली की रचना विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने अपने इसी निवास में किया था, और वर्ष 1950 में यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। गौरी कुंज में इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास एवं चिट्ठियां, इनकी तस्वीरें, वस्त्र और पदकों को संरक्षित किया गया है। इनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि हर साल इस स्थान पर काफी भव्यता के साथ मनाई जाती है। घाटशिला के निवासियों की माने तो इस शहर की यात्रा बिना बुरुडे झील के दीदार के अधूरी है। पहाड़ियों से घिरी बुरुडे झील पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला ब्लॉक से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था। यह कृत्रिम झील दलमा पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। झील के आसपास मौजूद घने जंगल पश्चिम बंगाल में दलमा रेंज से मिदनापुर तक हाथी गलियारे का एक हिस्सा है। सो फार हम लोग फुलडुंगरी हिल्स
धारागिरी फॉल्स और तो इधर आए हैं बुरुडी लेक, अच्छा ही लगा। लेकिन रास्ता रोड और थोड़ा इम्प्रूवमेंट, रोड का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरे ख्याल से। और जो फुलडुंगरी हिल्स है उधर मुझे लगा ऊपर कुछ एंटीसोशल काम होता है रात में, उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ लाइट्स वगैरह और लगाए जाए तो अच्छा है। और बाकी जगह तो ऐसे बहुत पीसफुल है, क्वाइट है, आदमी लोग भी अच्छा ही है, जो ऑटो वाला वगैरह है सब ठीक है, हेल्पफुल है। और यहाँ पे सेकेंड टाइम विजिट है हम लोगों का, ये पहले हम लोग दोस्त सब मिल के आए थे, अभी फैमिली लेके आए हैं, तो जस्ट आज ही आए हैं सुबह, उसके बाद लॉन्च कर किया है यहाँ पे, घूमने निकले। ये सेकेंड स्पॉट है हम लोगों का देखने के लिए निकले जो, तो यहाँ पे आके जो अच्छा, तो ऐसे सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है, पर लग रहा है कि पानी बहुत कम है यहाँ पे, शायद बारिश कम हुआ होगा, तो बाकी तो ठीक ही है। আজকেই আমরা এসেছি আর আমরা এখানে ওই 10:30 নাগাদ নামলাম, তারপরে ঘুরতে ঘুরতে এলাম এখানে। তো এই জায়গাটা আমার খুবই ভাল লাগলো, এই লেকটা। তো আমি চাইবো আপনারাও আসুন, এসে দেখুন, আপনারা খুব সুন্দর সময় কাটাতে পারবেন এখানে, 2-3 দিনের জন্য ছুটি কাটানো, রিল্যাক্সেশনের জন্য আপনারা অবশ্যই আসুন। हम लोग कोलकाता से हैं और हम लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, हमारा छोटा सा एक ग्रुप है जो हम इधर उधर ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे घाटशिला पे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े मैंने ज़्यादा प्लेसेस अभी देखे नहीं है। ये बुरुडी डैम है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, और भी ज़्यादा देखने का उम्मीद है। तो हमने तो बहुत सुना है घाटशिला के बारे में, बहुत ही सच में बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा। तो हम 2 दिन लेके आए हैं, आज ही हम ट्रेन से उतरे हैं, तो आज का दिन और कल का दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे। तो अभी तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन वेदर थोड़ा जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, मतलब हम लोग सोच रहे थे, हाँ हाँ गर्मी ज़्यादा है। दलमा पहाड़ी की तलहटी पे बसा बुरुडी डैम, इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था और यहाँ पर फिलहाल विस्थापितों द्वारा मत्स्य पालन किया जाता है। क्योंकि बुरुडी गांव में स्थित है इसीलिए बुरुडी डैम इसे कहते हैं, और हर वर्ष खासकर वेस्ट बंगाल से भारी संख्या में यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं। बुरुडी झील से कुछ ही दूरी पर घाटशिला का बेहद खास खजाना मौजूद है। घाटशिला शहर से 10 किलोमीटर दूर बसाडेरा में स्थित यह धारागिरी जलप्रपात है। धारागिरी बुरुडी बांध से 5.7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए कुछ दूर सैलानियों को ट्रेकिंग करनी पड़ती है। यह सफर मंजिल से कम खूबसूरत नहीं है, हर कदम के साथ प्रकृति का संगीत तेज हो जाता है। पत्तों की सरसराहट और दूर से पक्षियों की आवाज प्रत्याशा की एक सिम्फनी रचती है। একদিন হলো আজকেই এসেছি, তো প্রথম দেখলাম বিভূতিভূষণের বাড়ি, যেটা খুব ভালো মেনটেন ছিল, রেনোভেট হচ্ছিল, রেনোভেশন চলছিল। ওখানে অপুর পাঠশালা দেখলাম, উইচ ওয়াজ নট লাইক ইন প্রপার স্টেজ, বাট উই স ইট, দ্য স্টেজ ওয়াজ দেয়ার, থিয়েটার ইউজ টু বি দেয়ার, ইউজ টু হ্যাভ দেয়ার। উই অলসো স সাম পোস্টার্স অফ হিজ নোভেলস লাইক পথের পাঁচালি, আরণ্যক, দেন অপুর সংসার, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অপু। তো ইট ওয়াজ অল ভেরি নস্টালজিক, ভেরি নস্টালজিক, অ্যান্ড দ্য হেরিটেজ ওয়াজ ভেরি ওয়েল মেনটেন্ড। जैसे जैसे घुमावदार रास्ता जंगल की गहराई में जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं
उत्साह की लय गूंज उठती है और फिर सफर के अंत में पेड़ों के घूंघट तले झरने का गिरता पानी मन को मोह लेता है। हवा में व्याप्त आत्मिक शांति को शब्दों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक भावना है जो दिल में जड़े जमा लेती है। एनवायरमेंट है ये जो प्लेस है, इट्स वेरी नाइस, काम एंड क्वाइट, पीपल कैन सी एंड दे कैन एंजॉय। हम लोग का डेली जो प्रेशर रहता है काम का बारे में, तो इधर आके पूरा ट्रैंक्विलाइज हो गया, ब्रेन पूरा ठंडा हो गया मेरा, बहुत अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट पीपल शुड कम हियर वंस ए ब्लू मून, सो दैट दे विल फील द यू नो काम एंड क्वाइटनेस ऑफ दिस प्लेस धारागिरी। बुरुडी लेक से कुछ ही दूरी पर स्थित है धाराडी वाटरफॉल। हालांकि इस जलप्रपात तक वाहन की सुविधा नहीं है, आपको कुछ दूर पहले ही गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद ट्रैकिंग करके यहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन ये जो ट्रैकिंग की जर्नी है वो काफ़ी खूबसूरत है। जंगलों के रास्ते होते हुए आप यहां पर पहुंचते हैं और यहां पथरीले इलाकों के बीच आपको थोड़ी सी हाइट पर पानी गिरती हुई नज़र आती है और यहां का जो माहौल है वो काफ़ी खूबसूरत है। वाकई आपको यहां आने के बाद लगता है कि आप प्रकृति की गोद में आए हुए हैं। झारखंड के हृदय में एक खजाने की तरह बसा घाटशिला एक अनदेखे स्वर्ग के रूप में खड़ा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति की भव्यता अपने सबसे आकर्षक रूप में खिलती है। इस शहर की खूबसूरती रंगों की एक लय है, जहां हरी भरी पहाड़ियां झरनों के प्रवाह के साथ कदम मिलाती हैं और तट पर स्थित नदी एक शांत पृष्ठभूमि पेश करती है। शहर का आकर्षण इसके परिदृश्य तक ही सीमित नहीं है, यह स्वयं प्रेरणा का जन्म स्थान है, जहां आज भी हवाएं विभूति भूषण की रचनाओं से गूंजती है। यह शहर सिर्फ एक गंतव्य नहीं, इससे कहीं अधिक है। यह प्रकृति के हृदय में एक यात्रा है, शांति के स्पर्श से चित्रित एक अद्भुत तस्वीर है। शायद यही वजह है कि यहाँ की छुपी हुई पगडंडियों, अनदेखे झरने और रूहानियत को तलाशते हर वर्ष कई पर्यटक घाटशिला के दरवाजे पर दस्तक देते हैं।